हेलो दोस्तों, तो दोस्त आज भी एक हमारा सामने नया काम आया हुआ है। ये 3.0 यानी तीन कुल्लू मानते हैं, स्टूडियो मास्टर का है। ये क्या प्रॉब्लम है, किस लिए आया है, कस्टमर कुछ नहीं बताया है या प्रोग्राम पे बंद हो गया है, इसको साइड कर दे दिया है और ऐसे ही रख दिया है। तो वैसे ही हमारा गैरेज पे भेज दिया है ये, तो हम इसको खोलेंगे, देखेंगे और इसका फॉल्ट क्या है वो हम सही करने की कोशिश करेंगे। तो देख सकते हैं इसमें कितना गंदगी है। उससे पहले हम इसको लॉक को खोलेंगे, पहले बार हम ओपन कर रहे हैं इसको, लॉक को खोलेंगे और उसके बाद इसमें जितने भी मिट्टी लगा हुआ है और सारे के सारे सफा करके हम इसमें मीटर के सहायता से पहले हम चेक करेंगे और उसके बाद इसमें हम एसी बोल्ट को इन करेंगे, क्योंकि हमारे पास जितने भी एम्पलीफायर आता है दोस्तों, पहले तो स्टेप हम मीटर से और पहले स्टेप खोल के हम मीटर सफा करके इतने धूल मिट्टी जितना भी है सफा करके फिर लाइन देके या इमली की जिस तरह इमली आती है उस तरह हम इसमें काम करने का स्टार्ट करते हैं। कभी कभार डायरेक्ट लाइन देते हैं किसी किसी इमली फायर में, और किसी किसी इमली फायर में पहले हम मीटर की सहायता लेते हैं और उसके बाद उसमें लाइन इन करते हैं। लगभग हमारा खोलना हो ही गया, कस्टमर का जो कहना है प्रोग्राम पे बंद हो गया है, इसी तरह सेट कर दिया है और वैसे ही हमारा शॉप पे लेके आया, फिर ट्राई नहीं किया कस्टमर ने लाइन देके, तो किस लिए बंद हो गया है, किस लिए नहीं चल रहा है वो हम नहीं देखेंगे, क्योंकि इसका जो गंदगी है पहले वो हम सफा कर लेते हैं। तो देख सकते हैं दोस्तों इसमें पहले बार खुला हुआ है, अभी तक हमने हमारी शॉप में ये पहली बार खोल रहा है हम, दूसरे बार खोला है या नहीं उनको तो नहीं पता, लेकिन हम पहले बार ये स्टूडियो मास्टर खोल रहे हैं, क्योंकि ये 3 किलो में जो स्टूडियो मास्टर है बहुत सारा आता रहता है हमारा शॉप पर, लेकिन ये वाला हम पहली बार खोल रहे हैं। तो कितना गंदगी फैला हुआ है देख सकते हैं, और कैपेसिटर की इतना गंदगी फैला हुआ है, तो इसको हम अच्छी तरह से क्लीन करेंगे और उसके बाद हम रिपेयरिंग करने के लिए अंदर में ले जाएंगे। तो पहले स्टेप आती है इसको अच्छी तरह से सफा कर लेते हैं, ये हमारा जो ये मिसिंग है
इसी की मदद से हम पहले इसको सब लगा लेते हैं। तो इसको सफा करने के लिए नीचे लाना होगा, तो हम अच्छी तरह से इसको सफा करके हम आपको दिखाते हैं। तो दोस्तों कम्प्लीटली हमने सफा कर दे दिया है। तो दोस्तों हमारे रिपेयरिंग की टेबल पे आ चुका है। अभी दोस्तों मीटर के सहायता से हम इसको पता करेंगे कहीं भी शॉर्ट है या नहीं, वो हम पता कर लेंगे। सब सही नजर आ रहा है, यानी इसमें हम एसी बल्ब हम दे सकते हैं। एसी बल्ब को हमने दे दिया है। हमारा यहाँ पे बोर्ड लगा हुआ है, यहाँ पे भी वन है, लेकिन कोई वन होने का कोई सिग्नल नहीं मिल रहा है। तो इसके लिए हम बोल्ट को देखना है। पहले बार हमारा जो एसी बोल्ट है वो ट्रांसफार्मर पे इन हुआ है या नहीं। यानी ट्रांसफार्मर पे हमारा एसी वोल्ट और इन हो गया है। अभी देखेंगे इसमें से कोई भी एक मॉडल का जो ये जैक है वो हम उठा लेंगे। एक वायर हम ग्राउंड पर रखेंगे, यहाँ पे भी बोल्ट हमारा मिल रहा है 100 बोल्ट। सीरीज में लगा हुआ है 253-254 बॉल आ रहा है। तो इसके हिसाब से तो ज़्यादा सेट सर नहीं करना है, क्योंकि इसमें से यहाँ पे बोल्ट एंड हो रहा है, लेकिन मॉडल पे कोई बोर्ड का नामो निशान नहीं है, यानी
तो अभी मॉडल पे हम देख लेते हैं, यहाँ पे हमारी नेगेटिव या पॉजिटिव मिल रहा है या नहीं वो हम एक बार देख लेते हैं। ये कॉयर को रखना है ग्राउंड पे, एसी डीसी 200 पे हम सेट करके 115 वोल्ट, और उसके बाद ये हाई वोल्ट है माइनस हाई वोल्ट, और यहाँ पे मीडियम दिया हुआ है 57 वोल्ट माइनस, यहाँ पे 114-115 ऐसा ही कुछ है, यहाँ पे भी वोल्ट है। तो देख सकते हैं दोस्तों सप्लाई की मदद से हमारा मॉडल तक आ चुका है, यानी इसमें कोई एलईडी ग्लू नहीं हो रहा है। तो इससे पहले हम ज़्यादा सेड़-सड़ नहीं करके इसको देख लेते हैं, यहाँ से यहाँ पे एक सर्किट दिया हुआ है, यहाँ से 15 वोल्ट आउट होगा या नहीं वो पहले हम देख लेते हैं, और उसके बाद जो कोई भी डिसीजन होगा हम लेंगे उसके आगे। लेकिन उससे पहले इस साइड को हम खोल लेते हैं। अगर शॉर्ट हो तो भी एक बार तो सिग्नल देना चाहिए, लेकिन एक बार भी सिग्नल नहीं आ रहा है तो इसके हिसाब से 15 वोल्ट अच्छी तरह से मिल रहा है या नहीं वो हम चेक करेंगे। अगर दोस्तों इसमें कोई भी एलईडी ग्लू नहीं हो रहा है तो ये पावर का जो केबल है, यानी ये मॉडल पे जो जाती है हमारा हाई मीडियम वोल्ट, उसको हटा के एक बार 15 वोल्ट इसमें घुसा दीजिए तो भी ये एलईडी हमारे हिसाब से ग्लू कर जाएगा। तब जाके हम मॉडल पे हम अपना बोल्ट इसमें घुसाएंगे, शॉर्ट होगा तो पता चल जाएगा, लेकिन इसमें कोई शॉर्ट का नामो निशान नहीं है लेकिन बोल्ट ही नहीं मिल रहा है, तो इसका आंसर तो एक ही है, एलईडी ग्लू नहीं हो रहा है, इसका आंसर तो एक ही है, या 15 वोल्ट खराब है तो दोस्तों वीडियो थोड़ा सा लंबा होने वाला है लेकिन इंटरेस्टिंग वीडियो है, आप स्किप मत करके देखिए तो कुछ ना कुछ तो फायदा ज़रूर मिलेगा। इसमें भी लग है, नीचे वाला में भी है, ये दिया हुआ है हमारा 15015 का। इस सर्किट को एक बार खोल लेते हैं,
अब यहाँ पे भी 15015 के लिए आप एक छोटा सा ट्रांसफार्मर भी यूज़ कर सकते हैं। वो भी कम चल जाता है। तो इसको हम मीटर की सहायता से, पहले स्टेप आती है हमारा, इसको खोल लेना है। हल्का सा सबा करके हम आपको दिखाते हैं। तो दोस्तों हमने सबा कर लिया है। ये दोस्तों फ्रेश नज़र आ रहा है, एकदम फ्रेश है। तो इसको भी हम मीटर की सहायता से चेक करेंगे। कंटिन्यू पे रख के यहाँ पे हमारा एसी बोल्ट इंट होता है, और इस रेजिस्टर के क्लू की रेजिस्टर के थ्रू यहाँ पे किलो की रेजिस्टर लगा हुआ है पूरे लाल में। किलो नहीं है, ये रेजिस्टर की रेजिस्टर नहीं है, लेकिन इसमें कोई ओम्स नहीं शो कर रहा है। उसको हम छोड़ते हैं, और उससे पहले यहाँ पे फ्यूज कटा हुआ है, यानी पहले वीडियो हम एक हमारे हिसाब से तो डाल चुके हैं हमने यहाँ पे फ्यूज़ का। तो इसका भी शायद वही फॉल्ट होगा। अगर इसमें फ्यूज़ कटा हुआ है तो देख लेना है कोई भी डायोड शॉर्ट है या नहीं। सही नज़र आ रहा है। यह पे आईसी को भी देख लेना है, कोई भी पिन शॉर्ट हो गया तो ये फ्यूज कटने का चांस ज्यादा है। तो इसमें कोई इशू नहीं दिख रहा है। तो इसमें हम फ्यूज एक तरह की यहाँ पे हम थोड़ा सा वायर की मदद से हम थोड़ा सा पतली के हिसाब से हम जम्परिंग कर लेंगे। एकदम पतली वाला वायर से हम इसको जम्परिंग कर दिया है। अब इसको हम एक बार कोशिश करेंगे। ज़्यादातर फ्यूज़ कटने का चांस ज़्यादातर होता है इसमें, और कोई दिक्कत वाली बात नहीं आती इसमें। अगर आती है तो सर्किट रिपेयर हो जाता है। तो यही फॉल्ट था दोस्तों इस सर्किट का, और इसमें कोई फॉल्ट नहीं था हमारे हिसाब से। तो अभी देखेंगे इसमें अच्छी तरह से फिट करके हम देखते हैं होता है या नहीं। इसको हम अच्छी तरह से फिटिंग कर ही देते हैं, क्योंकि इसका तो फॉल्ट सॉल्व हो गया है। लॉक हम नहीं कसेंगे, क्योंकि और भी फॉल्ट हो तो फिर से खोलना पड़ेगा, इसीलिए ऐसे ही रखेंगे, ऐसे ही रहने देंगे।
अभी इसको स्पीकर की मदद से हम देखेंगे इसमें ऑडियो आया है या नहीं। स्पोकन भी हमारा ये तो लगाना पड़ेगा, तो वीडियो स्किप कर दो थोड़ा। तो दोस्तों पूरी तैयारी के साथ स्पोकन हमने लगा दे दिया है और इसमें लाइन देके हम एक बार ऑडियो को ट्राई करेंगे। एक साइड तो बज रहा है, हम देखेंगे दूसरा साइड। दोनों मॉडल सेम बज रहा है, इसमें कोई दिक्कत आने वाले नहीं है। तो ये सिर्फ A1515 का ही फॉल्ट था और इसमें कोई फॉल्ट नहीं है। तो इसको अच्छी तरह से फिटिंग करके मैं इसको कस्टमर को दे देंगे और उसके बाद इसमें कोई काम बसा हुआ नहीं है। तो दोस्तों इस वीडियो के लिए तो इतना सा है। तो थैंक यू दोस्तों वीडियो देखने के लिए।